समाचारों की ओर। हरियाली अमावस्या के अवसर पर एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें आज हुए हादसे में सुखानंद धाम के सूरजकुंड में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि सूरजकुंड कनेरा राजस्थान थाना क्षेत्र में आता है, जहां पर कुछ युवक नहाने गए थे, जिसमें नीमच सिटी निवासी जगदीश पिता हरिओम माली 20 वर्षीय युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जिससे घटना की जानकारी आग की तरह फैली, इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं राजस्थान व MP की संयुक्त पुलिस टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को सूरजकुंड से बाहर निकाला और PM के लिए अस्पताल पहुंचाया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष अनुसार हजारों की संख्या में अमावस्या को सुखानंद धाम पर बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए व पहाड़ी से गिर रहे झरने का लुत्फ उठाने के लिए भक्तगण पहुँचते हैं। वहीं सुखानंद धाम में गिर रहे झरने के ऊपर बने सूरजकुंड में भी लोग नहाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर 3 साल पहले भी इसी तरह की घटना हो चुकी है। जावर क्षेत्र के पर्यटन स्थल सुखानंद के सूरजकुंड में नहा रहा जगदीश देवरिया की कुंड में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक नीमच निवासी है, जो सुबह सुखानंद गया था और दोपहर बाद कुंड में नहाने उतरा, तभी ज़्यादा भीड़ के कारण अन्य जगह से कूड़ा और समय से बाहर नहीं निकल सकने से डूबना बताया जा रहा है और राजस्थान प्रशासन की बड़ी चूक बताई जा रही है। आज हरियाली अमावस्या के मौके पर एक दुखद घटना सामने आई है। राजस्थान में जो कनेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सूरजकुंड पड़ता है, जो सुखानंद धाम के ऊपर है, वहाँ पर नीमच निवासी एक बालक है, जगदीश पिता हरिओम, जिसकी उम्र करीबन 20 साल है, जो माली समाज से है, उसकी डूबने से दुखद मृत्यु हुई है, जिसका शव निकालकर कनेरा थाना वहाँ के मर्चुरी रूम में रखा है और उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। क्योंकि घटना जो स्थल है वो राजस्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत है, अतः शव को वहाँ पर ले जाया जाकर उसका शव पंचनामा किया जाकर पोस्टमार्टम कराया जाकर उसके परिजनों को शव को सुपुर्द किया जाएगा।